उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। घटना बलिया के रेवती थाना क्षेत्र की है। वहीं कल ही पुंछ जम्मू हाईवे पर हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर दुख जताया। दरअसल कल ही जम्मू कश्मीर में आर्मी ट्रक पर आतंकियों ने हमला किया और बड़े दुख की बात है कि हमारे 5 जवान इंडियन आर्मी के शहीद हो गए। वहीं देखिए, योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। कहा, मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक बनकर व्यस्त हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पीएम मोदी के बाद अब योगी आदित्यनाथ पर भी लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। कर्नाटक चुनाव प्रचार में भी बड़ी यूपी सीएम की डिमांड। देखिए कुछ तस्वीरें। सुबह सुबह गोरखनाथ गौशाला में गौ सेवा करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी और कर्मचारियों को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए, पूजा करने और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर माथा टेकने पहुंचे। गौशाला में गायों के साथ उन्होंने समय निकाला और अधिकारियों से कहा, स्वास्थ्य पोषण के साथ साथ गर्मी के मौसम में गायों की देखभाल और ज्यादा जरूरी है। अच्छा भाई, देखिए अतीक और अशरफ के मामले का सीन रिक्रिएट किया गया। प्रयागराज के कोलविन हॉस्पिटल पहुंची एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और इस सीन रिक्रिएशन से वारदात को ये समझने में मदद मिलेगी कि आखिर कैसे वो न्यूज रिपोर्टर बनकर आए और कैसे दे दनादन इन पर गोलियां बरसाई। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें आप, दो लोगों को अतीक और अशरफ बनाया गया। ठीक उसी तरह से पुलिस वाले भी साथ साथ चलते हुए नजर आए। वहीं दोस्तों, अतीक मामले पर एक और खबर है कि अतीक के जान जाने की खबर सुनने के बाद प्रयागराज लौटा कालिया, जो कि अतीक माफिया का कारोबार देखता था। कोलकाता में अपने प्लम्बर के घर में छुपा था, इसको भी यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जब से अतीक अहमद का कांड हुआ उसके बाद से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिजनों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। गाँव में पुलिस वालों का पहरा भी है। वही देखिए, अशरफ की बीवी का भाई सद्दाम भी पुलिस के लिए सरदर्द बन रहा है। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो संपत्ति कुर्क होगी सद्दाम की भी। अभी सद्दाम के फोन की लोकेशन कर्नाटक में मिली है, जहां पुलिस तलाश ने का प्लान भी बना रही है। बड़ी खबर है, यूपी में बड़े स्तर पर न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए। हाईकोर्ट ने 176 एडीजे का किया ट्रांसफर। अच्छा भाई देखिए, यूपी में अब पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों से चलेगा सरकारी विभाग। जी हाँ, योगी सरकार ने नया प्लान बनाया कि सरकारी विभागों में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे और डिपार्टमेंट के अधिकारी बिना टेंडर के भी खरीदारी कर पाएंगे इनकी। इसको लेकर डेडलाइन भी तय हो चुकी है, साल 2030 तक का टारगेट रखा। तब तक यूपी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सारे व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, है ना। वही देखिए, लखनऊ से कानपुर और बरेली चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। ड्राइवर और कंडक्टरों को भी मिलेगी सुविधाएं। परिवहन विभाग की तरफ से 100 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्लान भी बनाया गया, मैंने आपको बताया था कल ही। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कोरोना पर देखिए बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा आ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 840 नए मामले आए, जबकि 5 संक्रमितों की मौत हुई 24 घंटों में। पिछले 19 दिन में 8537 नए संक्रमित पाए गए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा मामले चल रहे हैं अभी। ये देख सकते हैं, लखनऊ में कोरोना के एक ही दिन में 250 के लगभग नए मामले आए। 26 लोगों को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, 5 वेंटिलेटर पर भी है। तो वही देखिए, हाथरस में भी कोरोना ने दस्तक दी, 3 नए केस आए। स्वास्थ्य विभाग में खलबली सी मची। इतना ही नहीं दोस्तों, नोएडा में तो अब बच्चे भी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 110 नए मरीज मिले, जिनमें 18 साल से भी कम उम्र के 8 बच्चे शामिल हैं, जिनकी निगरानी भी की जा रही है। अच्छा, मौसम समाचार पर खबर है कि उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों में बदलेगा मौसम। 14 जिलों में बारिश के आसार है, पारा भी गिरेगा। आसमान से बरस रही आग से राहत मिलेगी, क्योंकि यूपी के कई जिलों में आज और कल भी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई उत्तरी भारत के राज्यों में बारिश होने की संभावना है। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। 24 घंटे में किसानों के खातों में पहुंचेगा 1.5 करोड़ का मुआवजा। बेमौसम बारिश से नष्ट हुई थी फसल 12,000 किसानों की, तो इनको मुआवजा मिलेगा आज से ही उत्तर प्रदेश भदोही से। यूपी सरकार की यह नई पहल है। किसानों को क्षतिपूर्ति नुकसान का मुआवजा अगले 24 घंटों में उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना। अच्छा, वहीं गर्मी के कारण नोएडा के स्कूलों का बदला टाइम। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक चलेंगी 8वीं तक की कक्षाएं। बड़ी खबर है, 25 से 30 अप्रैल तक होगी जनसभाएं। काशी में गर्जेंगे मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी। वैसे देखिए, निकाय चुनाव को लेकर योगी सरकार ने कुछ नए आदेश भी जारी किए हैं कि 20 रुपए की माला पहना सकेंगे प्रत्याशी, मास्क पर खर्च कर सकेंगे 2 रुपए, निकाय चुनाव में 30 रुपए की पूरी सब्जी भी खिला सकेंगे। मतलब नेताजी के हर खर्च पर अब योगी सरकार की नजर रहेगी। अच्छा, रेलवे से खबर है कि 21 अप्रैल से ही चलेगी पुणे गोरखपुर वीकली स्पेशल ट्रेन। इसमें आपको हर तरह के कोच मिलेंगे, एसी, स्लीपर, जनरल क्लास के, और हर सप्ताह वीकली बेसिस ये ट्रेन चलेगी। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन की तरफ से ये स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया। किन किन तारीखों पर ये ट्रेन चलेगी गर्मी के सीजन में देख सकते हैं आप जानकारी। अच्छा, बड़ी खबर है, माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी की तलाश में गाजीपुर पहुंची मऊ पुलिस, सांसद अफजाल ने बताया ये। वह देखिए, स्वानों के बढ़ती संख्या पर लगेगी रोक, सभी नगर निगमों में बनेंगे पशु जन्म नियंत्रण केंद्र। और प्रदेश में लखनऊ न सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि देश का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा लखनऊ में। साथ ही प्रदेश के सभी नगर निगमों में भी स्वानों की संख्या यानी कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को रोकथाम के लिए पशु जन्म नियंत्रण केंद्र बनाए जाएंगे। बड़ी खबर है, अलविदा जुमा की नमाज को लेकर देखिए, ज्ञानवापी के 100 मीटर के दायरे में नमाजियों के लिए रखवाए गए मोबाइल शौचालय, मोबाइल टॉयलेट रखवाए गए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। वह देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं के ट्वीट
ट्विटर अकाउंट का वेरीफाइड साइन हटा, ब्लू टिक हट चुका, अब भुगतान करने पर ही मिलेगा ब्लू टिक। अच्छा, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ब्रज धाम का दौरा किया और यहाँ वो बोले कि हमारी गलती से मुक्त नहीं हुई जन्मभूमि, अयोध्या की तरह जल्द ही मथुरा में भी भव्य श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें, उनके साथ देवकीनंद महाराज भी नजर आए। उन्होंने कहा कि 5 दिन में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबी मूर्तियां वापस करें। इतना ही नहीं, हिंदू राष्ट्र पर भी इन्होंने एक बार फिर से बयान दिया और कहा कि जिस दिन हर भारतीय जागेगा उसी दिन बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी फिर दोहराया इसको। बड़ी खबर है, औद्योगिक विकास आयुक्त ने गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया, अधिकारियों से ली निर्माण कार्यों की जानकारी, काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। वैद्यकीय सचिव विशेष सचिव की अभिरक्षा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज को सुविधाएं देने के आदेश की अवहेलना पर जारी किया था वारंट। अच्छा, अतीक के 2 बेटे जो जेल में बंद है उनकी कहानी देखिए। लग्जरी गाड़ियां खुद नहीं चलाते बल्कि 4 राइफलधारी साथ चलते हैं। चुनाव में उमर ने संभाली थी कमान। अतीक के टूटे साम्राज्य के अब मात्र 2 दावेदार बचे हैं, बाकी अतीक अहमद के खात्मे के साथ ही उसका पूरा साम्राज्य भी खत्म हो गया। अच्छा, हमारी देखिए दोस्तों, अक्षय तृतीया के मौके पर चरण व सर्वांग दर्शन देंगे बांके बिहारी। 75 किलो चंदन लगेगा, चरणों में रखा जाएगा 1.25 किलो का चंदन का लड्डू भी। कल 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाएगा और ऐसे भी मान्यता दोस्तों की इस महापर्व पर किए गए दान से अक्षय पुण्य मिलता है, बुरा समय दूर होता है और इसीलिए आपको अक्षय तृतीया के दिन कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। बड़ी खबर देखिए, यूपी गैंगस्टर का कानूनी खर्च हम नहीं देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि 55 लाख का बिल लौटाया, रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी को VIP ट्रीटमेंट मिला। वैसे ईद के त्यौहार को लेकर भी देखिए पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है और आदेश जारी किए गए कि सड़कों पर न पढ़ी जाए नमाज। शहर मुफ्ती ने भी मस्जिदों में अदा करने की बात कही अलीगढ़ से। अलीगढ़ में ईद पर नमाज को लेकर 5 घंटे रूट भी डाइवर्ट रहेगा और भी कई जिलों में नमाज पर आपको इस बार रूट डाइवर्ट देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर ट्रैफिक भी प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि सवाल ये दोस्तों कि 22 या 23 अप्रैल को आखिर भारत में किस दिन मनाई जाएगी ईद। तो दरअसल बात यह है कि ईद उल फितर या ईद की कोई निश्चित तारीख अभी तक भी नहीं है। 20 तारीख को अगर सऊदी अरब और खाड़ी देशों में चांद दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर 21 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी और ठीक उसके दूसरे दिन 22 अप्रैल यानी शनिवार या फिर 23 अप्रैल रविवार के दिन भारत में ईद मनाई जाएगी। तो ऐसे में अपडेट आ रहा है कि सऊदी, अमेरिका और कनाडा समेत कई देशों में चांद का दीदार हो चुका है, तो उधर कई जगहों पर ईद आज भी है। आर्मेन की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया, देख सकते हैं आप। तो हो सकता है कि भारत में ईद कल या परसों मनाई जाए और बाकी इनके मुस्लिम संगठनों द्वारा क्या फैसला लिया जाता है जो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा ना। बड़ी खबर देखिए, मेरठ में वर्दी और आईडी के साथ फर्जी मेजर अरेस्ट हुआ। अग्निवीर परीक्षा पास कराने के नाम पर वसूले 30 लाख। हरियाणा के डिप्टी सीएम के साथ भी इसका फोटो है और इसी के बलबूते पर ये ठगी करता, धोखाधड़ी करता है। अच्छा, अक्षय तृतीया पर बताया जा रहा है कि इस बार ग्रहों का ऐसा अजब संयोग मिल रहा है कि रियल स्टेट, सराफा बाजार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चमक आएगी, बढ़ोतरी होगी। बड़ी खबर देखिए, 43 लाख लूटे फिर पाप धोने वैष्णो देवी गए। गुनाह की माफी के लिए गरीबों में पैसे भी बांटे, पकड़े गए तो हाथ जोड़कर बोले कि गलती हो गई। पुलिस के मुठभेड़ में गोली लगने के बाद 2 बदमाशों को पकड़ा गया। झांसी के सिमरावारी गांव में 12 अप्रैल की रात एक सराफा व्यापारी से 43 लाख की लूट हुई थी और इसी लूट के 2 आरोपी फरार हो गए थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं हाल ही में जो यूपी पुलिस में 64 माफियाओं की नई लिस्ट जारी हुई थी ना, तो उस लिस्ट में प्रयागराज के दिलीप मिश्र, राजेश यादव और बच्चा पासी भी शामिल है। बड़ी खबर देखिए, भारतीय सेना को मजबूत बनाएगा हंस पैराशूट। अब 30,000 फीट ऊंचाई से सुरक्षित उतर सकेंगे पैरा कमांडो। आगरा में इसका सफल ट्रायल भी हुआ है। दिल्ली से आए अधिकारियों ने राशन दुकानों की जांच की, कोटे पर पहुंचकर स्टॉक का किया मिलान, ग्रामीणों से गुणवत्ता और क्वांटिटी की जानकारी भी ली। वही देखिए, कुशीनगर के सूर्य प्रताप को राज्य मानवाधिकार आयोग ने किया सम्मानित। एटा में भट्टे से 131 मजदूरों को मुक्त कराया था, मालिक बंधुआ बना करके इनको रखा था। देखिए किस तरह से बाल मजदूरी करवा रहे हैं लोग बच्चों से। वहीं खबर है कि CSJMU के छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट होने जा रहा, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं को मिला लाखों का पैकेज। अग्निशमन इकाई ने आग से बचाव के तरीके बताए, पानी के बोछार से तिरंगा बनाकर दिखाया। 2022 में 8 लोगों की जान बचाई थी। लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की समीक्षा की, निर्माण की गति धीमी होने पर DM ने लगाई फटकार, तय समय में तैयार करने का दिया निर्देश। बदायूं जेल को FSSAI ने दिया प्रशस्ति पत्र, कहा बंदियों को मिल रहा बढ़िया खाना, अफसरों को मिला ईट राइट कैंपस सम्मान। हरदोई में बैंक कर्मचारियों ने मनाया संगठन का स्थापना दिवस, राष्ट्रीयकरण की रक्षा व निजीकरण को परास्त करने के लिए संघर्ष का लिया संकल्प। मेरठ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई, निकाय चुनाव में माहौल बिगाड़ने का प्लान था, यूपी में सप्लाई करने की थी तैयारी। अच्छा, नया नियम देखिए, अब कानपुर में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। पुलिस 40 दिन बाद शुरू करेगी कार्रवाई, अगर नहीं माने तो पहली बार में 5,000, दोबारा 10,000 का जुर्माना लगेगा, फिर भी पकड़े गए तो गाड़ी जब्त होगी। इससे बढ़िया है आप अपनी गाड़ी की भी नंबर प्लेट को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से अपडेट करवा ले ना। वहीं बड़ी खबर है, 21,000 रुपए में करिए दक्षिण भारत की यात्रा। रेलवे की ओर से की गई व्यवस्था, 30 अप्रैल से ये यात्रा शुरू हो रही है। IRCTC के पोर्टल पर ज्यादा जानकारी आप चेक कर लीजिएगा। बड़ी खबर है, उपभोक्ता फोरम ने कैरी बैग का दाम लेने पर लगाया जुर्माना। 8% ब्याज के साथ 15,000 अतिरिक्त देने का दिया आदेश। 7 महीने में आया
फैसला संत कबीर नगर का मामला, जहां एक ग्राहक से कैरी बैग का अलग से पैसा ले लिया गया। गोरखपुर में अग्निशमन विभाग और एयरफोर्स की मॉक ड्रिल हुई। जवानों ने आग की घटना को रोकने के लिए सिखाए गुर बचाव की ट्रेनिंग भी दी। बिना अधिग्रहण ही न्यू कानपुर सिटी लॉन्च की तैयारी। नक्शा बनाकर सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर हुए जारी। कमिश्नर ने योजना का किया निरीक्षण। अम्बेडकर नगर में 8 अपात्र लोगों को दिया गया पीएम आवास योजना का लाभ। डीडीओ ने ग्राम विकास अधिकारी को किया निलंबित। कटेहरी के बीडीओ को सौंपी जांच। अच्छा, महोबा में देखिए, कबराई वासी बोले कि पानी नहीं तो वोट नहीं। टैंकर के भरोसे जी रहे लोग, जिम्मेदारों ने नगर की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। बड़ी खबर है, बीएचयू के स्कूलों की प्रवेश परीक्षाएं 26 अप्रैल से। इन कक्षाओं में मिलेगा दाखिला ई लॉटरी के जरिए। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए, स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराकर नजीर बनी गाँव की सरकारी डॉक्टर। डॉक्टर प्रिया ने एक साल में कराई 158 महिलाओं की डिलीवरी, 263 नवजातों का भी किया केयर। कोसाम्बी में भी अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा हुआ, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। G20 कृषि सम्मेलन में बेहतर कार्य करने पर मेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया गया। सीएमओ ने प्रशस्ति पत्र देकर बढ़ाया हौसला, कहा आगे भी ऐसे ही करते रहें ड्यूटी। बड़ी खबर है, अग्निकांड के पीड़ित 200 व्यापारियों ने लोन मांगा। ODOP के तहत लोन में 5 करोड़ में 20 लाख की सब्सिडी भी बांटी गई। प्रॉपर्टी नहीं होगी बंधक। नोएडा में 2 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार हुए। 15 लाख के 53 मोबाइल इनके पास से बरामद हुए। झारखंड नेपाल में बेचते थे, साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल करते थे उन मोबाइल का। बड़ी खबर है, मुजफ्फरनगर में अलविदा, जुमा और ईद को लेकर अलर्ट। SPCT ने बोले कि सोशल मीडिया पर अप्रिय व असामाजिक टिप्पणी करने से बचें, वरना होगी कार्रवाई। गोरखपुर में दुर्लभ कछुओं की तस्करी का पर्दाफाश हुआ। नेपाल वाया चीन ले जा रहे थे कछुए, 4 तस्कर अरेस्ट हुए। 34 इंडियन फ्लेप सेल टर्टल बरामद हुए इनसे। इन कछुओं को फिर तालाब में रिलीज किया गया वापस, कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। वहीं चंदौली में DMSP ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। आपसी सौहार्द कायम रखने के लिए मांगा सहयोग, बोले अराजक तत्वों पर होगी कार्रवाई। अच्छा, गुजराती मिट्टी से बने प्रिंटेड मटके और बोतल की धूम आगरा में 200 से 400 रुपए तक बिक रहे हैं। खास डिजाइन देखकर जमकर हो रही खरीदारी। बड़ी खबर है, टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लखनऊ में सम्मानित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क की कार्यशाला में टीकाकरण और वैक्सीन रखरखाव की भी जानकारी दी गई। वह देखिए, बच्चों को ड्रेस और बैग के लिए जल्द मिलेगी धनराशि। अयोध्या के 1792 सरकारी स्कूलों के सत्यापन का काम हुआ पूरा। बस्ती के 4 छात्रों ने बढ़ाया मान। राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण की। 4 सालों तक प्रति माह 1000 रुपए मिलेंगे। भदोही में गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय बदला। DM ने अत्यधिक गर्मी के कारण समय बदलने के निर्देश जारी किए और अब स्कूलों का समय यहां 7:30 से 12 बजे तक रहेगा, पहले से 5वीं तक का। 6ठी से 8वीं तक का 7:30 से 1:30 बजे तक रहेगा। वह देखिए, वाराणसी में भी ईद और अलविदा पर अमन की अपील। ईद की नमाज, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के त्यौहार पर आपसी सौहार्द का दिया संदेश। बुलंदशहर में भी DM और SSP ने शांति समिति के साथ बैठक की। परशुराम जयंती व ईद उल फितर के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों को निर्देशित भी किया। ग्रेटर नोएडा में पॉलीथीन बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं हुई। गाजीपुर में महिलाओं के लिए बनेगा पिंक बूथ, सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा। पहले चरण में 4 मई को होना है मतदान। संत कबीर नगर में महिला नसबंदी की दिशा में निरंतर बेहतर कार्य हो रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 1349 महिलाओं की नसबंदी की गई। राम मंदिर अभिषेक के लिए 155 देशों का जल पहुंचा, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पाकिस्तान, चीन सहित बाबर की जन्मस्थली का जल भी इसमें शामिल हुआ। हालांकि पाकिस्तान से लाने में थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन फिर भी 155 देशों का जल इसमें राम मंदिर के अभिषेक के लिए लाया गया है। बड़ी खबर है, मुरादाबाद में जुमा अलविदा की तैयारियां। जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में कड़ी चौकसी लगाई गई। पूरे इलाके को चमकाने में जुटा नगर निगम। चोरी हुए फोन वापस मिले तो किल उठे लोगों के चेहरे। संबल में SP चक्रेश मिश्रा ने 51 लोगों को सौंपे उनके मोबाइल फोन। फतेहपुर में बिजली का तार टूटकर खेत में गिरा, 5 बीघा फसल जलकर हुई राख। पीड़ित किसान की बेटी की होनी है शादी। अच्छा भाई देखिए, एक बड़ी मांग की गई कि इंडिया की जगह हिंदुस्तान हो देश का नाम। साइकिल से दिल्ली जा रही कोलकाता की छात्रा चंदौली में बोली कि राष्ट्रपति से करूंगी मुलाकात। स्कूल चलो व संचारी रोक अभियान की रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में बच्चों को शपथ भी दिलाई गई। सिद्धार्थ नगर में यह अभियान चला। खुर्जा में मवेशी फार्म में संचालक को बंधक बनाकर लूटपाट हुई। केस सहित 35 मवेशी, मोबाइल और कीमती सामान लेकर फरार हुए बदमाश। बुलंदशहर के खुर्जा की यह घटना है। बहराइच में परिषदीय स्कूलों का रहा दबदबा। 162 छात्रों ने उत्तीर्ण की राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। कानपुर में शहर कांची ने अलविदा जुमा ईद पर अपील की और कहा कि गैर मुस्लिम भाइयों को दावत पर बुलाएं, आपसी भाईचारा व अमन का संदेश दें। बुलंदशहर के सुकून देने वाली तस्वीर देखिए। रिक्शा चालक को पीछे बैठी एक महिला ने कड़ी धूप में छाता लगाया। DM बोले कि दिल को छू जाने वाली तस्वीर है ये। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से ये तस्वीर सामने आई है। शहर के मुख्य काला आम चौराहे पर कैमरे में कैद हुई एक तस्वीर अब देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। और ये तस्वीर न केवल हर किसी को सुकून देने वाली है, बल्कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द का भी प्रतीक दर्शाती है। सोशल मीडिया पर ये फोटो तेजी से वायरल हो रही है। अच्छा भाई देखिए, आदेश जारी किया गया कि कार्यक्रम का आयोजन करने से पहले प्रशासन से अनुमति लें। चुनाव प्रचार में न किया जाए धार्मिक स्थलों का प्रयोग। DMSP ने शांति कमेटी की बैठक भी आयोजित की फरुखाबाद में, है ना। अच्छा, बिजनौर में आग से 40 बीघा फसल जलकर हुई राख। 2 अलग अलग हादसों में 30 बीघा गेहूं और 10 बीघा गन्ने की फसल भी जली। उत्तर प्रदेश के 336 अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से बाहर हुए। प्रयागराज के सबसे ज्यादा 53 हॉस्पिटल
हॉस्पिटल है योजना में शामिल मरीजों का नहीं कर रहे थे इलाज, इसलिए इन पर कार्यवाही हुई। अंबेडकर नगर के 529 गांव बनेंगे मॉडल गांव, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 38 करोड़ से इनका कायाकल्प होगा। वहीं देखिए विदेशी चंदा मामले में 4 एनजीओ पर एफआईआर दर्ज हुई। लखनऊ में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने शुरू की जांच। रैपिड एक्स ट्रेन में मिलेगी ट्रेन होस्टेस की सुविधा। देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन में मिलेगा फ्लाइट वाला फील। दिल्ली मेरठ के बीच चलेगी ये ट्रेन, जल्दी इसकी शुरुआत होगी। वहीं मिर्जापुर एसपी ने विभिन्न बाजारों में गश्त की, समाज में शांति सौहार्द का संदेश लेकर पुलिस ने भ्रमण किया। मेरठ में भी ईद पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखने के लिए पुलिस ने रूट मार्च निकाला। एडीजी आईजी कमिश्नर संघ सड़कों पर उतरे अधिकारी। वैसे दोस्तों आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा मुझे आपके जिले का नाम, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें हमेशा देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।